So guys, my name is Asis and you are watching WrestleStroke Lucha Underground पे बेस्ट प्रिंस पुमा का क्या डेब्यू होने वाला है। Guys, Ricochet टीज करके हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस वाले कैरेक्टर का या तो डेब्यू हो जाएगा या तो नहीं भी होगा, तो इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सली वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि जब साल 2016 या 2017 में जब वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, NXT में उनका डेब्यू नहीं हुआ था, तो इससे पहले Ricochet लूचा अंडरग्राउंड के सुपरस्टार थे। जिस प्रकार से हमें Rey Mysterio का मास्क के साथ, यानी कि मास्क पहन के आते हैं, उसके साथ एंट्री देखने को मिलता है, कुछ उस प्रकार से हमें प्रिंस पुमा वाला कैरेक्टर देखने को मिलता था Ricochet का। लूचा अंडरग्राउंड का ये पूरा बेस्ट कैरेक्टर था, जहाँ पे Ricochet जब भी अपना एंट्री करते थे तो एक मास्क लगा के आते थे जो कि प्रिंस पुमा का कैरेक्टर था। और गाइस, इसी से रिलेटेड उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या प्रिंस पुमा वाला जो कैरेक्टर है वो दोबारा वापस आने वाला है WWE में या और कहीं बाहर कंपनी में आ सकती है। तो अब देखो, ये WWE से बाहर जा चुके हैं, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ खत्म हो चुका है, और ऐसे में गाइस काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि WWE को छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस, इसी से रिलेटेड उनसे पूछा जाता है कि क्या ये कैरेक्टर वापस आएगा या नहीं, तो वो ये बोलते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो कि बोल रहे हैं कि देखो ये वाला जो कैरेक्टर है वो डन हो चुका है, और ये वाला जो कैरेक्टर था वो पूरा लूचा अंडरग्राउंड पे बेस्ड था, और ये वाला जो कैरेक्टर है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। तो